कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, लेकिन अगर आपका गुरु आपको मरता हुआ छोड़ दे तो गुरु हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हादसा हुआ है ना, इस हादसे ने बहुत बड़ा सबक सिखा दिया है कि ऐसा गुरु हो ही नहीं सकता है जो आपकी जान को खतरे में डालकर चला जाए। यह हादसा हुआ कैसे है, चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस से 47 किलोमीटर दूर एक गांव है। इस गांव का नाम है फुलरई गांव। इस गांव में भोला बाबा का प्रवचन होना था। सुबह 10 बजे का ये समय रखा गया 2 जुलाई को, जब बाबा भोला को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग, बाबा के भक्त जो है, सुनने के लिए पहुंचे। सुबह 10 बजे ये समय रखा गया था, लेकिन सुबह 10 बजे से पहले ही यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ आ चुकी थी। महिलाएं आ चुकी थी, बच्चे यहाँ पर शामिल हो चुके थे, इसके साथ ही बुजुर्ग यहाँ पर बाबा को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे, पुरुष यहाँ पर सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन बाबा प्रवचन देने के लिए आते हैं 12 बजे के करीब। 12 बजे के बाद बाबा आते हैं, भोला बाबा, और प्रवचन सुनाते हैं। 1 घंटे करीब उनका प्रवचन चलता है और 1 घंटे के बाद बाबा यहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही मंच से नीचे उतरते हैं, बाबा अपनी कार में बैठने के लिए जाते हैं, तो जो लोग आगे बैठे हुए थे बाबा के चरणों की धूल लेना चाहते थे, उस धूल को अपने माथे पर लगाना चाहते थे, उस धूल को अपने शरीर पर लगाना चाहते थे, उस धूल को अपने साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन उन्हें नहीं था पता कि जिस धूल के लिए वो चाहते हैं अपने साथ ले जाना, वो धूल उनकी जान ले लेगा। जी हाँ, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, 122 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। बाबा का काफिला आगे बढ़ता जाता है, पीछे से भक्त पीछे पीछे दौड़ते चले जाते हैं कि बाबा की एक झलक देखने को मिल जाए, उनके चरणों की धूल मिल जाए। ऐसे में भीड़ जो है बेकाबू हो जाती है और भगदड़ शुरू हो जाती है, जिसके बाद ये हादसा हो जाता है। और हादसा इतना बड़ा हो जाता है कि 122 लोगों की जान ले लेता है। अब कहा यह भी जा रहा है कि जो लोग उनकी सुरक्षा में, यानी कि भोला बाबा की सुरक्षा में तैनात थे, उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ है और बाबा निकल नहीं पा रहे हैं, उनकी कार आगे नहीं जा पा रही है, जिसके बाद उन्होंने भीड़ को रोकने का प्रयास किया। और जब लोग नहीं माने तो यहां पर लोगों को समझाने का भी प्रयास किया, और जब भी लोग नहीं माने तो भगदड़ मचाना भी शुरू कर दिया। लाठीचार्ज सुरक्षा कर्मियों ने शुरू कर दी, जिसके बाद ये भगदड़ मच गई और अपने आप को बचाने के लिए लोग बाबा के पीछे पीछे भागने लगे कि उन्हें बाबा की एक झलक मिल जाए, बाबा को देखने के लिए मिल जाए, बाबा से बात हो जाए। लेकिन भगदड़ इतनी ज्यादा मच जाती है कि ये बड़ा हादसा हो जाता है और इस भगदड़ में 122 लोगों की जान चली जाती है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है इस पूरे हादसे को लेकर। अगर एसडीएम की बात की जाए तो एसडीएम कह रहे हैं कि जब ये प्रवचन होना था तो अनुमति मांगी गई थी 50,000 लोगों के बैठने की, प्रवचन में शामिल होने की, लेकिन 50,000 से भी ज्यादा लोग यहां पर पहुंच जाते हैं, ऐसे में क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर एसडीएम कह रहे हैं कि 50,000 लोगों के बैठने की यहां पर व्यवस्था थी, तो क्या बाकी में 50,000 लोगों की भी बैठने की आप लोगों ने व्यवस्था यहां पर की थी? क्या बेहतर इंतजाम थे? मात्र 72 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे, सोचिए आप, 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे और मात्र 72 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी। वहीं दूसरी ओर हाथरस पुलिस ये कह रही है कि जो अनुमति पत्र था उस पत्र में ये जिक्र नहीं किया गया था कि कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो अब पुलिस पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार उस अनुमति पत्र में ये जिक्र नहीं था कितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो आपने अनुमति दे कैसे दी? और दे भी दी तो उसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं किए गए? और अगर पुलिस यहां पर सही बोल रही है तो क्या एसडीएम गलत बोल रहे हैं कि 50,000 लोगों की अनुमति मांगी थी, दूसरी ओर पुलिस कह रही है कि अनुमति कितने लोगों की मांगी थी ये तो जिक्र ही नहीं था? झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है? चलिए इसको यहां पर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पूरा जांच का विषय हो चुका है, जांच अब की जा रही है, मुख्यमंत्री के बयान सामने आ रहे हैं और पूरा देश भी ये जानने के लिए उत्साहित है कि आखिरकार ये हादसा इतना बड़ा कैसे हो जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं उस बाबा की, भोला बाबा की बात करें तो इसका नाम है, रियल नाम जो है वो है सूरज बा, बाबा ने अपना नाम बदला था। जी हाँ,
बाबा पहले यूपी पुलिस में तैनात था लेकिन बीआरएस ले लिया और जिसके बाद प्रवचन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रवचन से पॉपुलर हुआ और बड़ी संख्या में भक्त बन गए और अपना लोग जो है इस सूरजपाल को यानी कि भोला बाबा को अपना आराध्य मान लिया। अब अपने बाबा ने पता नहीं क्या नाम, कुछ साकार विश्वहरी ऐसा कुछ नाम चल रहा है, लेकिन भोला बाबा उर्फ कहा जाता है। और साथ ही इसका नाम जो है पहले था सूरजपाल, अपने नाम को बदल लिया, यूपी पुलिस में तैनात था, सरकारी नौकरी की, अलग अलग जगह पर नौकरी भी की है यूपी पुलिस में रहते हुए, लेकिन बाद में यूपी पुलिस से नौकरी छोड़कर प्रवचन करने लगा। और बड़ी बात यह है कि आपको बता दें बाबा गुरु के साथ जो भोला बाबा हैं उनके साथ ही उनकी पत्नी भी प्रवचन करती थी, पत्नी और भोला बाबा दोनों ही साथ में प्रवचन के लिए जाते थे। अक्सर जब भोला बाबा बिजी होता था तो उसकी पत्नी ही प्रवचन करने के लिए पहुंचती थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 महीने से पत्नी बीमार चल रही थी, इसी के बाद बाबा खुद ही प्रवचन करने के लिए यहां पर जाते थे। अब एक और बड़ा आपको यहां पर एक खुलासा करें कि बाबा के ऊपर 5 FIR भी दर्ज है, यौन शोषण जैसे मामले में बाबा पर FIR भी दर्ज है। और ये भोला बाबा यानी कि सूरजपाल पहले जेल भी जा चुका है, जेल से आने के बाद बाबा ने अपना नाम बदल दिया, प्रवचन करना शुरू कर दिया। और एक और बात पता है, जैसे कि साधु संतों को आप देखते होंगे, आप जो लोग धर्म गुरु होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, उनकी पोशाक बिल्कुल अलग होती है, सूट बूट नहीं पहनते हैं, जीन्स पैंट नहीं पहनते हैं, शर्ट नहीं पहनते हैं, कुर्ता टाइप और जो भी उनकी पोशाक होती है उस टाइप के कपड़े पहनते हैं। लेकिन ये बाबा बिल्कुल अलग, ये बाबा पहनते हैं 3-पीस सूट, जूते, कलरफुल चश्मे और ऐसे ही कपड़ों में वो अपना प्रवचन देते हैं। लोग सुनते भी हैं, सुनने के लिए बड़ी संख्या में जाते हैं। कल तक मैं तो नहीं जानती थी भोला बाबा को, शायद आप भी नहीं जानते होंगे, शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे और शायद बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन एक दिन में ही भोला बाबा की खूब चर्चा हो रही है। अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं, कोई ट्रोल कर रहा है और कोई कुछ कह रहा है, कोई बाबा को गलत बोल रहा है, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन अब ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि वाकई में इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है। एक बात तो स्पष्ट है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के, अगर आपका गुरु आपको ऐसे मरता हुआ छोड़ दे तो ये गुरु तो नहीं है। मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी को सुनने के लिए जाते हैं तो प्लीज़ पहले पता कीजिए वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी है, वहाँ कितने लोग पहुँच रहे हैं, और उसकी भी हिस्ट्री निकालिए कि वो गुरु कौन सा है, वो बाबा कौन सा है, कोई केस दर्ज तो नहीं है या फिर कोई मामले दर्ज तो नहीं हुए पहले, उसके बाद ही आप गुरु बनाइए, उसे अपना आराध्य बनाइए और उसके बाद ही आप उन्हें सुनने के लिए जाइए। अब देखिए एक और बात बताती हूँ, जब ये हादसा हुआ था, जब ये भगदड़ शुरू हुई थी, जब ये मंच से बाबा जो है निकले हुए थे काफिले में, अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे कार में, तो कहा जा रहा है कि ये बाबा जो है अपने आश्रम पहुंचे थे, जो कि आश्रम है मैनपुर में, मैनपुर बिछुआ गांव में इनका आश्रम है, वहां पर पहुंचे हुए थे दिन में ही 1 बजे के बाद, जब ये भीड़ बेकाबू हो गई और रात में विश्राम भी यही पर किया। लेकिन जब आश्रम पहुंचे और रात में यहाँ पर जब DSP पहुंचे तो मीडिया कर्मियों को भी जानकारी लगी कि बाबा भोला बाबा जो है वो अपने आश्रम में पहुंच चुका है। मीडिया कर्मी बड़ी संख्या में जाते हैं और उसी आश्रम के बाहर खड़े हो जाते हैं, अंदर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्स तैनात की गई थी और अंदर जाने से रोका गया, किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दिया, सभी को मना कर दिया। मीडिया कर्मी यहाँ पर इंतजार करती रही कि यहाँ पर DSP बाहर आएंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर अंदर क्या कुछ मिला। जैसे ही DSP बाहर आते हैं तो यहाँ पर मीडिया कर्मी उनसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि अंदर क्या बाबा थे। DSP कहते हैं नहीं, अंदर कोई नहीं था। 1 घंटे के बाद बाहर आते हैं। अब सवाल देखिए यहाँ पर DSP पर भी खड़ा हो रहा है कि आपने 1 घंटे अंदर चलिए ठीक है तलाशी की, लेकिन आपने अकेले ही तलाशी की, आपको किसी भी तरह के फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी, आपके पास आपके साथ पुलिस अंदर क्यों नहीं गई। और फिर खबर ये भी सामने आ रही है कि सुबह कुछ 15 गाड़ियां वहां से रवाना होती हैं, उसमें BJP के झंडे लगे हुए थे, एक गाड़ी है जिसमें बाबा बैठे हुए थे, हालांकि ये स्पष्ट तौर पर नहीं है जानकारी, लेकिन ऐसा जो सुना जा रहा है वो आपको मैं बता रही हूँ कि उसी गाड़ी में बाबा भी मौजूद था और बाबा रवाना हो गया। अभी फिलहाल बाबा कहाँ पर है, किसके साथ में है, कौन कौन है बाबा के साथ में, लोकेशन क्या है, इसकी फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है। बाबा की जानकारी जुटाई जा रही है, पुलिस भी
लगातार तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब सवाल देखिए बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है। आप बताइए क्या कहेंगे आप इस हादसे को लेकर, 122 लोगों की जो जान चली गई है, इनका जिम्मेदार कौन है, प्लीज आप बताइए। लेकिन मैं बार बार यही कहूंगी कि आप पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के, ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके।